विश्व पटल पर नेताओं से उनकी मुलाकात होती है, वो इतने कॉन्फिडेंस से उनसे बात करते हैं। वो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, भाव भंगिमा है, दूसरे नेताओं के साथ जैसे वो कनेक्ट करते हैं, जैसे वो रैपो एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे वो रिलेट करते हैं, वो वही है जो वो एक बड़े देश के प्रतिनिधि हैं, जो कि मजबूत है और जिसका बहुत अहम रोल है पूरी दुनिया में सेफ्टी बढ़ाने का और इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो मोदी ने जब से हिंदुस्तान की बागडोर संभाली है, उस दिन से दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। विश्व की तमाम ताकतवर शक्तियां हिंदुस्तान के आगे नतमस्तक नजर आ रही हैं और ये सब कुछ हुआ है मोदी सरकार की डिप्लोमेसी से। क्योंकि मोदी जिस भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं, अपने मिलने के अंदाज से अलग ही तरह की बॉन्डिंग हो जाती है उनके उनके साथ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोदी की दबंग डिप्लोमेसी के बारे में। और सबसे पहले बात होती है दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका की, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मोदी ने मुलाकात की और मीटिंग में मोदी का दबंग अंदाज पूरी दुनिया ने देखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलैटरल इश्यूज हैं। आप दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते। कश्मीर मसले पर ट्रंप के सामने मोदी का यह बयान हिंदुस्तान की धाकड़ विदेश नीति का सबसे बड़ा सबूत है। जिस अंदाज में पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने दो टूक कहने की हिम्मत दिखाई, शायद ही ऐसा पहले कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने कहने की हिम्मत की होगी। इसे पीएम मोदी का करिश्मा कहें या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज का जादू, ट्रंप भी हाँ में हाँ मिलाते रहे। और जब ट्रंप ने मोदी की तरफ मजाकिया मूड में हाथ बढ़ाया, तो मोदी ने किस तरह से उनका हाथ पकड़ा, ये तस्वीर हिंदुस्तान की ताकत का लोहा बताने के लिए काफी है। देखिए, बातचीत के बीच में ट्रंप मोदी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो मोदी उनका न सिर्फ हाथ पकड़ हंसने लगते हैं, बल्कि एक हाथ से उनके हाथ को जोर से थपथपा देते हैं। यह मोदी का हाथ मिलाने का अपना स्टाइल है। वो न सिर्फ ट्रंप के हाथ को थपथपाते हैं, बल्कि हैंडशेक के जरिए दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज अमेरिका और भारत के बीच के रिश्ते कितने मजबूत हैं। अच्छा संबंध हो रहा है, बहुत अच्छी वेलकम चीज़ें, ये और आगे बढ़ना भी चाहिए। जैसा ट्रंप के साथ भी फेमिलियरिटी दिखा रहा है, अभी हाथ उनके हाथ के ऊपर रख के वो कल बात हो रही थी, उस समय भी ऐसे ही किया, वो इनका स्वभाव है। ट्रंप सुपर पावर मुल्क अमेरिका की सबसे पावरफुल शख्सियत हैं, लेकिन मोदी का औरा ही ऐसा है कि वो ट्रंप से जब जब मिलते हैं अलग ही गर्मजोशी दिखाते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब जून 2017 में मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। मोदी व्हाइट हाउस पहुंचने वाले थे, तब पीएम मोदी के इंतजार में ट्रंप व्हाइट हाउस के बाहर खड़े रहे और जैसे ही मोदी पहुंचे तो आगे बढ़कर ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया। मोदी ने ट्रंप से हाथ मिलाया और उनके हाथ को पकड़े रहे। इस दौरान मोदी ने ट्रंप के हाथ पर एक थपकी भी दी। इसके बाद बकायदा ट्रंप ने मोदी की पीठ पर हाथ रखा और व्हाइट हाउस के भीतर लेकर गए। इतना ही नहीं, जब व्हाइट हाउस में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया तो पीएम मोदी ने ट्रंप को गले लगा लिया और मोदी ने ट्रंप की पीठ थपथपाई थी। तब ट्रंप ने पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री की संज्ञा दी थी। I am thrilled to salute you, Prime Minister Modi, and the Indian people for all that you are accomplishing together. Your accomplishments have been vast. India has the fastest growing economy in the world. We hope we're going to be catching you very soon in terms of percentage increase. I have to tell you that. We're working on it. इतना ही नहीं, इस मुलाकात के बाद जब मोदी व्हाइट हाउस से रुखसत हो रहे थे, तब ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया दोनों बाहर तक छोड़ने आए थे। मोदी और ट्रंप जब भी मिले तो दो नेताओं के बीच अलग ही केमिस्ट्री दुनिया ने देखी।
ये तस्वीरें इसी साल 29 जून की हैं, जब जापान के ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मुट्ठी बंद करके जिस अंदाज में मोदी ने ट्रंप से हैंडशेक किया, उससे हिंदुस्तान की दबंग डिप्लोमेसी की झलक नजर आई। इसी G20 समिट के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी दिखी जब मीटिंग हॉल में तमाम राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे और बैठक में ट्रंप पहुंचे। जिस जगह मोदी खड़े थे उस तरफ ट्रंप बढ़े और मोदी के पास आकर हाथ मिलाया और रुककर बात की। ऐसे कई मौके आए हैं जब दुनिया के मंच पर मोदी और ट्रंप मिले तो रिश्तों की गर्मजोशी की गवाह दुनिया बनी। ये तस्वीर नवंबर 2017 में फिलीपींस के मनीला में हुए एशियान शिखर सम्मेलन की है, जब मोदी की तरफ ट्रंप ने पहले हाथ बढ़ाया था। परंतु पिछले 5 साल से हमने देखा है, और आपने कल का भी जिक्र किया है, हमने ये पाया है जो विदेश नीति उनका सबसे मजबूत कार्यकाल में सबसे मजबूत अंग उभर कर आया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो भी विश्व पटल पर नेताओं से उनकी मुलाकात होती है वो इतने कॉन्फिडेंस से उनसे बात करते हैं। तो एक तो है उनका अपना रवैया, दूसरा है जो वो समझते हैं जो भारत एक बड़ी शक्ति है, एक उभरती। ये मोदी की शख्सियत का ही कमाल है कि जो सुपर पावर ट्रंप से जब जब भी मिले तो हिंदुस्तान की बुलंद होती हैसियत दिखी। दूसरी तरफ ट्रंप से पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की मुलाकात की तस्वीरें भी दुनिया ने देखी हैं, जब व्हाइट हाउस में ट्रंप के बगल में इमरान खान बैठे थे। इस वक्त ट्रंप बोल रहे थे और इमरान खान हाँ में हाँ मिलाते नजर आए थे। पीएम मोदी अपने काउंटर पार्ट के साथ सिर्फ कूटनीतिक संबंधों का ही दायरा नहीं बनाते बल्कि व्यक्तिगत संबंधों की डोर भी बांधते चले जाते हैं, जिसका परिणाम उनके सफल विदेश नीति में साफ साफ दिखाई देता है। ब्रिज जयराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। विश्व शक्ति अमेरिका आज मोदी को सलाम कर रहा है, लेकिन एक जमात ऐसी भी है जिससे इमरान खान को उम्मीद थी कि वो मोदी के आगे नतमस्तक नहीं होंगे, और ये जमात है अरब मुल्कों की। लेकिन मोदी ने अरब देशों के साथ रिश्तों को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि यूएई, बहरीन से लेकर सऊदी अरब मोदी को गले लगा रहे हैं, अपने देश के सम्मान से नवाज भी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और यही बात पाकिस्तान को परेशान कर रही है। इस पल को दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। ये तस्वीर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए कायम हो गई है, क्योंकि मोदी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। प्रधानमंत्री मोदी को यूएई ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। सबसे बड़ी बात है कि ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय हैं। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने खुद मोदी को यह अवार्ड दिया। इससे पहले जब मोदी ने अबू धाबी की धरती पर कदम रखा था तो प्रिंस जायद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अबू धाबी के प्रेसिडेंशियल पैलेस में किया। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले। पीएम मोदी का शाही अंदाज से स्वागत किया गया। मोदी और यूएई के प्रिंस एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करते रहे। इसके बाद क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी को पूरा महल घुमाया। यूएई के बाद मोदी ने बहरीन का रुख किया। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री बहरीन पहुंचा तो बहरीन ने मोदी के स्वागत में पलक पांवले बिछा दिए। एयरपोर्ट पर मोदी की अगवानी शाहजादे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ने की। इस दौरान प्रिंस का हाथ पकड़कर मोदी गुफ्तगू करते नजर आए। इसके बाद मोदी मनामा के अल गुदेबिया पैलेस पहुंचे तो खुद प्रिंस मोदी का हाथ पकड़कर महल के भीतर लेकर गए।
यहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। बहरीन ने पीएम मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया। ये मोदी की विदेश नीति का ही दम है कि इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद यूएई, बहरीन और सऊदी अरब पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान के करीब नजर आ रहे हैं। देखिए, मोदी जी का विदेश नीति में सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी ये 5 साल में वो अरब कंट्रीज़ के साथ इंडिया का वो बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया और वो लोग भी अभी मान रहे हैं कि इंडिया को महत्व देना चाहिए। अरब कंट्री से कोई सोचा नहीं कि ये इनके हिंदुत्व हैं और नेशनलिस्ट पॉलिसी हैं, उसको लेके कोई नहीं सोचा कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ को, इस्लामिक कंट्रीज से इंडिया का इतना अच्छा संभव फ्रेंडशिप हो सकता है, वो सोचा ही नहीं है, वो करके दिखाया है। इससे पहले मोदी जब अप्रैल 2016 में सऊदी अरब की यात्रा पर थे तो सऊदी अरब ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश पुरस्कार देकर भारत की ताकत को सलाम किया। ये मोदी की डिप्लोमेसी का अपना स्टाइल है जिसके जरिए वो अरब देशों को भी मंत्रमुग्ध कर चुके हैं। इसकी एक तस्वीर इसी साल फरवरी महीने में नजर आई जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत दौरे पर आए तो पीएम मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। मोदी ने न सिर्फ क्राउन प्रिंस का वेलकम किया बल्कि इस अंदाज में गले लगाया जैसे बरसों के बिछड़े दोस्त आज मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम हैं जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के पाकिस्तान पहुंचने पर उनके ड्राइवर बन गए। एयरबेस से निकलने के बाद इमरान ड्राइविंग सीट पर बैठे और खुद ही कार चलाने लगे। एक ऐसा मौका भी आया जब इमरान खान राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की मर्यादा ही भूल गए। 1 जून 2019 को मक्का में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी के सम्मेलन में सऊदी अरब के किंग से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने उनका अनादर कर दिया। यहां इमरान खान हाथ तो किंग सलमान से मिला रहे हैं लेकिन बात ट्रांसलेटर से कर रहे हैं। यहां तक कि इमरान खान ने किंग सलमान को प्रतिक्रिया में कुछ कहने का वक्त भी नहीं दिया और वहां से अचानक निकल गए। तो दुनिया में मोदी की गूंज है, शायद ही ऐसा कोई ताकतवर मुल्क है जो मोदी की डिप्लोमेसी का कायल नहीं है। चीन खुद को सुपर पावर मानता है लेकिन ये मोदी ही हैं जिन्होंने चीन को भी अपनी हद समझाने में देरी नहीं की। अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब जब मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई तो एशिया की दो बड़ी शक्तियों के नेताओं के बीच रिश्तों की नई गर्मजोशी देखी। अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को झूला झुलाने वाली तस्वीरों की गवाह पूरी दुनिया है। ये पीएम मोदी की दबंग विदेश नीति का एक हिस्सा है। जब सितंबर 2014 में शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे तो मोदी ने उनका विमान अहमदाबाद की धरती पर लैंड करवाया था। उस वक्त अहमदाबाद के होटल में जिनपिंग का स्वागत करने के लिए मोदी पहले से मौजूद थे। उस वक्त जिनपिंग ने महात्मा गांधी के मशहूर साबरमती आश्रम में चरखा भी चलाया था। सरहद पर चीन के साथ तनातनी अक्सर नजर आती रही लेकिन ये मोदी ही हैं जो बार बार चीन को अपनी हद में रहने की हिदायत देने का साहस कर सके। जिनपिंग के भारत दौरे के बाद मई 2015 में मोदी ने चीन का रुख किया। तब जिनपिंग ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया था और अपने गृह जिले शियान लेकर गए थे। चीन में मोदी की एक सेल्फी सुर्खियां बन गई जब मोदी ने चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ सेल्फी ली। इसे विदेशी मीडिया ने इतिहास की सबसे ताकतवर सेल्फी का दर्जा दिया था। इसके बाद अप्रैल 2018 में मोदी एक बार फिर चीन के दौरे पर गए। इस दौरान जिनपिंग ने जिस अंदाज में मोदी का वेलकम किया उससे भारत की बढ़ती ताकत का एहसास होता है। ये पहला मौका था जब जिनपिंग किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए 2 दिन तक बीजिंग से बाहर रहे। इस यात्रा में जिनपिंग मोदी को वुहान लेकर गए। यहाँ जिनपिंग ने ईस्ट लेक में नाव की सवारी की और चाय पर चर्चा की।
अब बात करें जापान और भारत की दोस्ती की तो दोनों मुल्कों के रिश्ते लंबे वक्त से अच्छे हैं, लेकिन मोदी ने सत्ता संभालने के बाद जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ ऐसी बॉन्डिंग बनाई कि जिसकी तस्वीरें कई बार दिख चुकी हैं। ये बात अक्टूबर 2018 की है जब मोदी जापान की यात्रा पर थे तो शिंजो आबे मोदी को यामनशी में हॉलीडे होम लेकर गए और डिनर का आयोजन किया। सबसे बड़ी बात है कि हॉलीडे होम जाने वाले मोदी पहले विदेशी नेता हैं। शिंजो आबे के साथ पीएम मोदी की जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आती है। दोनों नेताओं के बीच 13 बार मुलाकात हो चुकी है। दिसंबर 2015 में शिंजो आबे भारत यात्रा पर आए थे। पीएम मोदी ने उनका स्वागत अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किया था। शिंजो ने यहां भाषण की शुरुआत हिंदी में की थी। इसके बाद 2017 में अहमदाबाद में पीएम मोदी ने पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री के साथ रोड शो किया था, जो दिखाता है कि दोनों की मित्रता कितनी गहरी है। रोड शो के दौरान जापान के पीएम शिंजो आबे मोदी जैकेट में नजर आए थे। पीएम मोदी यारों के यार हैं, उनके मिलने का खास अंदाज है जो हर किसी को अपना मुरीद बना लेता है। फ्रांस और इसराइल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के फैन हैं, जिसके चलते दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हो चुके हैं। इमैनुएल मैक्रो और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मोदी की जुगलबंदी कुछ ऐसी है कि कोई भी प्रोटोकॉल तोड़ने में जरा भी नहीं हिचकता है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मोदी राज में भारत के रिश्ते फ्रांस और इसराइल से कितने मजबूत हुए हैं। इन ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी के कितने करीब हैं, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। कि जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में उन्होंने मुझे समझाया और मैंने उनको कहा कि के ये पाकिस्तान और भारत को मिलकर ही इसका निर्णय, इस पे इसका कुछ नतीजा निकालना है, और कि और हम चाहेंगे कि कोई भी इसमें तीसरा आदमी इसमें इस हालात में कोई मुद्दों को खराब ना करे। प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय दौरे पर मैक्रो ने जो पाकिस्तान को आईना दिखाया वो इसी गर्मजोशी का नतीजा था। मर्सी बको औ बुआ। प्रेस ब्रीफिंग के बाद जिस गर्मजोशी के साथ मैक्रो मोदी की तरफ हाथ बढ़ाकर सीधे गले लगा लेते हैं, वो भारत का लोहा मनवाने के लिए काफी है। देखिए कैसे दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। पीएम मोदी मैक्रो के कितने अजीज हैं, वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। देखिए कैसे मैक्रो एक बचपन के यार की तरह मोदी के साथ खड़े हैं और बिल्कुल बेफिक्र होकर मोदी को कुछ समझा रहे हैं। मैक्रो और मोदी के बीच ये बॉन्डिंग अक्सर नजर आती रही है। ये तस्वीरें मार्च 2018 की है जब इमैनुएल मैक्रो भारत दौरे पर आए थे और मोदी आधी रात में प्रोटोकॉल तोड़कर फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत करने पहुंचे थे। बेहद गर्मजोशी के साथ पीएम ने मैक्रो का स्वागत किया था। प्लेन से उतरते ही दोनों ने हाथ बढ़ाया और फिर मोदी ने मैक्रो को गले लगा लिया। तब मैक्रो पीएम मोदी के इस स्वागत से इतने गदगद हुए कि उन्होंने 2 बार पीएम मोदी को गले लगाया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति को मोदी वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट भी लेकर गए, जहां सजी हुई नौका पर मोदी ने मैक्रो को नौका विहार करवाया। ये नाव काशी के घाटों के पास से गुजरती रही और इस दौरान दोनों नेताओं की जुगलबंदी देख दुनिया हैरान रह गई। मोदी जब इसराइल दौरे पर पहुंचे थे तो इन विश्व शक्तियों का अंदाज देखकर सभी हैरान रह गए। बेहद गर्मजोशी के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने गले लगाकर मोदी का स्वागत किया। नेतन्याहू मोदी से मिलने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए। इस दौरे पर दोनों के बीच बेहद गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। नेतन्याहू ने मोदी को हिंदी में वेलकम किया। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। नेतन्याहू मोदी को लेकर बीच पर भी गए, जहां इन अजीज दोस्तों को दुनिया नंगे पैर लहरों के बीच घूमते देखकर दंग रह गई। बीच पर मोदी ने नेतन्याहू के साथ जीप की सवारी भी की। इसराइल दौरे पर शुरू हुई दोस्ती की कहानी आगे और मजबूत हुई। जनवरी 2018 में नेतन्याहू ने भारत का दौरा किया।
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरते ही नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी को सीधा गले लगा लिया, जिसके बाद पीएम ने नेतन्याहू के साथ रोड शो भी किया था।